तो दोस्तों 2 दिन पहले आपने एक न्यूज़ तो सुनी ही होगी, टिकटॉक पर एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था एक एम्बुलेंस को लेकर। इसके बारे में बताया जा रहा था कि जो एम्बुलेंस है वो मैंगलोर से बेंगलोर के लिए जा रही थी, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर की दूरी है, और जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसने ये दूरी केवल 4 घंटे में पूरी की, क्योंकि उस एम्बुलेंस के अंदर जो है एक 40 दिन की जो है एक बच्ची थी जिसका जो है हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, उसका जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होने वाला था जो कि बेंगलोर में होने वाला था, बेंगलोर में उसका इलाज नहीं हो पाया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, 2 दिन पहले की बात है, जो काफ़ी वायरल हुई है और यूट्यूब पर भी जो काफ़ी वायरल हो रही है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को लेकर जो है काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो यूट्यूब पर जो है गलत बताए जा रहे हैं, लोग अपने व्यूज़ के लिए जो है पब्लिक जो है थोड़ा जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आज का ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, आज के इस वीडियो में आपको जो है इस घटना की जो है कंप्लीट आपको जो है पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट है जो यूट्यूब पर जो गलत बताए जा रहे हैं वो भी सारे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो एम्बुलेंस थी तो वो जो है मैंगलोर में जो वहाँ पर उस बच्चे का जो ऑपरेशन चल रहा था उसको जो हार्ट की प्रॉब्लम थी तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स को जो है वहाँ पर हार्ट की जरूरत थी, तो ऐसे में जो है वहाँ पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है उनको पता चला कि बेंगलोर में जो एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जो है एक परिजन से जो है उनके पास एक हार्ट था, तो वो उस हार्ट को जो है डोनेट करना चाहते थे, तो ऐसे में जब उनको पता चला तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को जो है बेंगलोर भेज देना चाहिए, तो वहाँ पर जो इसको हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो ऐसे में जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी इसको जो है कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि जो दूरी है वो 400 किलोमीटर की थी, तो ऐसे में जो सभी को जो है ये टेंशन हो गया कि इस बच्चे को जो बचाने के लिए बेंगलोर भेजना पड़ेगा लेकिन कैसा भेजा जाए। तो ऐसे में जो बेंगलोर में वहाँ हॉस्पिटल में जो एक मीटिंग बुलाई गई तो वहाँ पर जो बताया गया, तो वहाँ पर जो है इस सारी बात का जो डिस्कशन किया गया, तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक जो बंदा था जिसका नाम था MD हनीफ, उस बंदे ने जो वहाँ पर बोला कि यदि मेरे को पूरे मैंगलोर से लेकर बेंगलोर तक का जो यहाँ पर रूट है उसमें यदि मेरे को 0 ट्रैफिक मिल जाए तो मैं इस बच्चे को जो 4 घंटे के अंदर बेंगलोर पहुँचा सकता हूँ। एंड ऐसे में जो है ये न्यूज़ जो है वहाँ पर आसपास जो है फैला दी गई और जो प्रशासन की वहाँ पर सहायता ली गई कि जो ट्रैफिक को है बिल्कुल जो है दूर रखना है पूरे रूट में, कहीं से जो है बीच में ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में जो भाई तैयार होकर एम्बुलेंस को लेकर जो है निकल पड़ा मैंगलोर से। अब रास्ते में जो है उस एम्बुलेंस के साथ जो प्रशासन की भी जो है कार्य वहाँ पर उसके साथ चल रही थी, आगे आगे जो है प्रशासन की कार चल रही थी, बीच में एम्बुलेंस की और पीछे जो है एक कार और प्रशासन की चल रही थी। तो ऐसे में जो एडवांस में जो आगे से ट्रैफिक को एडवांस में हटाया जा रहा था रोड पे से, तो आप वीडियो में देख सकते हो वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी रोड पर, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस जो स्पीड से वहाँ से जा रही थी। तो मेन रीज़न यही था कि बच्चे को जो है बचाना था, तो जो बेंगलोर के लिए उसने 4 घंटे के अंदर जो बेंगलोर पहुँच गया और वहाँ पर जो बच्चे का इलाज हो गया और बच्ची जो है अभी सेफ है। अब दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को लेकर जो है काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो यूट्यूब पर जो है रॉन्ग बताए जा रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाउट्स भी हैं जो अभी तक जो सभी लोगों के मन में है, तो उस सारे जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्ट यह है कि यदि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो बच्चे का ऑपरेशन करना था तो इतना पैसा जो खर्च पहले से हो चुका था, तो उसके बावजूद ही एम्बुलेंस का जरिया क्यों लिया गया, यदि बच्चे को इतना जल्दी जो है बेंगलोर पहुँचाना था तो कई और भी तरीके थे, जैसे वहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से या फिर एरोप्लेन की सहायता से भेजा जा सकता था, क्योंकि बेंगलोर में भी जो एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और बेंगलोर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऐसी सुविधा होने के बावजूद भी बच्चे को केवल एम्बुलेंस की सहायता से क्यों भेजा गया? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है, जब पहली बार हम सफ़र करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एरोप्लेन के बाहर से और वहाँ पर जो है सांस की लेने की प्रॉब्लम आ सकती थी, और ऐसे में जो बच्ची है वो तो बिल्कुल अभी तो 40 दिन की बच्ची थी, तो उसको जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी, सांस लेने में जो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और ऐसे में जो है बच्चों को भी जो एरोप्लेन में ले जाना मना होता है, कि जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती तो ऐसे बच्चों को जो है एरोप्लेन में ले जाने से मना कर देते हैं। रीज़न यही है कि वहाँ पर जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, कि जो एरोप्लेन वो काफ़ी ऊंचाई में उड़ता है, तो ऐसे में जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए जो बच्चे को इस तरीके से बेंगलोर नहीं भेजा गया था, उसको जो एम्बुलेंस की सहायता से भेजा गया। एंड दूसरा जो फैक्ट निकल के आ रहा है, लोग जो है ये अफवाह फैला रहे हैं कि भैया ये काम करने पर जो MD अनीफ भाई हैं जो ड्राइवर थे एम्बुलेंस के, उनको जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे सलमान खान और शाहरुख खान ने जो 50-50 लाख का जो इसको इनाम दिया है ये काम करने के लिए। तो दोस्तों ये सरासर जो है गलत बात है, झूठ है, पूरा झूठ है, इसमें कुछ भी सच बात नहीं है, ऐसा कुछ भी जो है नहीं किया गया है। हालांकि उसका जो सम्मान जरूर किया गया है इस काम को करने के लिए, उसका जो है लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की है, सराहनीय काम किया है, तो ये काम होना चाहिए, उसका जो है सम्मान भी होना चाहिए। बट ये जो बात है झूठ है कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने जो उसको इनाम दिया था, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी अफवाह जो यूट्यूब पर फैलाई जा रही है लोग केवल व्यूज़ के लिए अब जो झूठी जो है खबरें देते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ बातें थी जो इस वीडियो को लेकर जो बनी हुई थी, सो मैंने आपको जो इस वीडियो में क्लियर कर दिया। एंड दोस्तों जो ये काम हनीफ भाई ने जो किया है वो बहुत ही मतलब ये एक प्रकार से उन्होंने जो इस बच्चे को जीवन दान दिया है, क्योंकि ये काम करना बहुत बड़ा ही मुश्किल था, तो ऐसे में जो उसने ये रिस्क लिया। अब दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि भैया हनीफ भाई ने ये काम कर दिया 4 घंटे के अंदर, भैया 400 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, हमने ये बात सुन ली और हमको जो बहुत बड़ा अच्छा लगा मन में। लेकिन दोस्तों एक बात आप सोच के देखिए मन में, जब हम
कहीं पर भी बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब हम 1 या 2 घंटे बैठते हैं तभी हम जो है वहाँ पर बेचैनी जो है महसूस कर लेते हैं, हम जो है हमको जो है परेशान हो जाते हैं, हमको जो है एक जगह से बैठा नहीं जाता, जब हम 1 या 2 घंटे लगातार बैठ जाते हैं किसी जगह पर तो हमको बेचैनी होती है। अब ऐसे में आप सोचिए कि भैया वो 4 घंटे तक केवल एक ही एक्टिविटी को बनाए रखा है दोस्तों, अब आप दिमाग लगाइए कि भैया वो जो हनीफ भाई है उसने 4 घंटे तक एम्बुलेंस को स्पीड वाइज जो है कैसे चलाया होगा, क्या उनको परेशानी नहीं हुई बीच में कहीं, क्या उन्होंने कहीं रेस्ट किया, कहीं पर भी कुछ नहीं किया, उनका जो पूरा ध्यान था कि ड्राइविंग पे था, पर बैठते ही कहीं पर यदि एक्सीडेंट हो जाता या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो काम उन्होंने करके दिखाया वो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, हमारे लिए जो है सुनने में बड़ा आसान है बट ये करने में बड़ा मुश्किल है। आप सोच के देखिए जब हम 1 घंटे के लिए यदि किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पर बैठ जाएँ और कहीं पर कुछ भी ना करें तभी हमको जो इतनी बेचैनी हो जाती है, तो ऐसे में जो ड्राइविंग कर रहे थे 4 घंटे तक लगातार वो भी स्पीड में और कहीं पर भी उसने एम्बुलेंस को नहीं रोका, जो हनीफ भाई को दिल से मेरा सल्यूट एंड उन्होंने ये काम किया एंड बच्ची की जो है जान बचाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में बताया कि मेरा जो प्रैक्टिकल है वो 12 तारीख को है, तो मैं जो कल वापस जो है कॉलेज जाने वाला हूँ तो वहाँ पर जो मैं फिर से एक बार व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगा। एंड कल जो है कोई भी टेक वीडियो नहीं लेकर आ सकता और आज भी ये वीडियो आना मुश्किल था बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की। तो आज के वीडियो में इतना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।